दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो आपको आज से बिल्कुल सतर्क हो जाना। 2 लाख वाला यूट्यूब चैनल यूट्यूब ने सिर्फ 2 सेकंड में उड़ा दिया। बिना कोई स्ट्राइक दिए, बिना कोई वार्निंग दिए यूट्यूब ने डायरेक्ट यूट्यूब चैनल को उड़ा दिया। तो अगर आप भी शॉर्ट वीडियोस क्रिएटर है और आप भी शॉर्ट वीडियोस को बनाते हैं तो यार आज की वीडियो आप एंड तक देखना। साथ ही गाइस, अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे हो सकता कि आगे आप ये गलती करते जाएं और आगे आपको कोई ना कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता कि आपका भी चैनल यूट्यूब बिना कोई रीजन के डिलीट कर दे। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं या आप लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूट्यूब क्रिएटर के लिए, क्योंकि यार उसको ये चीजें फॉलो करनी होती है। जो भी यूट्यूब की पॉलिसी होती है उसको हमको वायलेट नहीं करना होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। अगर चैनल की बात की जाए वो गाइस अजय फक 07 और इस पर 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे और इस चैनल पर सिर्फ इन्होंने एक ही गलती की है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो गाइज मैंने देखा कि बहुत भाई लोग क्या है कि विदेशी वीडियोस का यूज करते हैं, विदेशी जो क्लिप होती है उसको यूज करते हैं, जिसकी वजह से भी यूट्यूब इंडिया जो है वो उनको कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी स्ट्राइक इस प्रकार से दे देती है और हो सकता है कि कुछ लोगों का चैनल भी डिलीट कर देती है। तो गाइज, जब यूट्यूब कहता है कि अपना इंडिया का कॉन्टेंट अपने में रखो, जैसे चाइनीज चीज है, चाइनीज की अगर आप कोई भी वीडियो अगर आप यूज करेंगे तो हो सकता है कि उस पर आपको स्ट्राइक मिल जाए, क्योंकि चाइनीज की चीजें बैन है। इस प्रकार से इंडिया में अगर आप चाइनीज वीडियोस को यूज करेंगे तो उस पर भी आपको स्ट्राइक या आपका चैनल उड़ सकता है, या जहां से बैन है वहां से आप किसी भी चीज को यूज नहीं कर पाते हैं। और यहीं पर गाइस लोग करते भी हैं, बट अगर वहीं पर अगर उनको पता चल जाता तो वो लोग उस चैनल को उड़ा देते हैं। यहाँ पर दूसरी गलती ये करी है गाइस कि इन भाई ने सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में अपने चैनल को उड़वा दिया। इन्होंने वीडियो में प्रमोशन किया था वन विन का इन्होंने प्रमोशन किया था और यूट्यूब के पॉलिसी में नहीं देखा था कि ऐसे एप्लीकेशन का हमको प्रमोशन नहीं करना है, लेकिन इन्होंने बिना देखे और बिना समझे इस ऐप का प्रमोशन कर दिया, जिससे यूट्यूब को पता चला कि इस ऐप का प्रमोशन किया गया। जब गाइस यूट्यूब चैनल का रिव्यू हुआ तो वहां पर पकड़ा गया कि इस चैनल ने इस ऐप का प्रमोशन किया, तो एक गलती तो वो हो गई। दूसरे पर जब गाइस कोई भी चैनल का रिव्यू होता तो उसका बहुत ही बारीकी से होता कि इस बंदे ने गलती क्या क्या की है, तो सेम वहां पर कई सारी गलती उनकी पकड़ी गई। पहला तो प्रमोशन, दूसरे पर उन्होंने चाइनीज वीडियोस का यूज किया था जिसकी वजह से उनको चैनल जो है वो डायरेक्ट उड़ा दिया गया। तो अगर आप भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं या आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो यार आपको पहले प्रमोशन करने से पहले ऐप के बारे में जान लेना है कि ये ऐप किस रिलेटेड है और कैसे ये सर्विस देता है। तो आपको ऐप के बारे में जानना, उसके बाद में ही प्रमोशन को आपको देना है। और अगर देना भी है तो आपको कहीं भी लिंक शेयर नहीं करना, लाइक लोग क्या करते हैं कमेंट में दे देते हैं लिंक या कहीं डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, तो वहां पर आपको पहले देख लेना कि ये ऐप कैसा, उसके बाद में ही लिंक दें। अगर प्रमोशन करते हुए तो लिंक दे करके तुरंत आपको हटा देना, जैसे पेमेंट हो लिंक आप हटा सकते हैं अगर जो लिंक जो है वो यूट्यूब पर अलाउड नहीं है। तो सेम ये काम कर सकते हैं अगर प्रमोशन करते हैं, अगर आपको अपने चैनल को बचा करके रखना है तो आप प्रमोशन नहीं भी कर सकते हैं। साथ ही गाइस उन्होंने चाइनीज वीडियोस का यूज किया था, तो गाइस ये वहां पर कुछ प्रॉब्लम उस चाइनीज वीडियोस ने की थी तो उसकी वजह से इनके चैनल पर कई सारे प्रॉब्लम्स आ गई और उसकी वजह से यूट्यूब ने इनके चैनल को ही डिलीट कर दिया। तो अगर गाइस आप भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं या गाइस आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो एक साथ में आप कई सारी गलती करते हुए चल रहे हैं तो उनको आपको देखते रहना है, क्योंकि अगर एक गलती पकड़ी जाएगी तो यूट्यूब टीम पूरे चैनल का रिव्यू करेगी और एक के बाद में और गलती पकड़ी गई तब आपका चैनल डिलीट कर देगी। तो भाई के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, जिन्होंने 2 लाख सब्सक्राइबर को गेन किया उसके बाद में यूट्यूब ने उनके चैनल को डिलीट कर दिया। तो आज से आप अपने चैनल को देखकर रखना और जो भी पॉलिसी होते हैं यूट्यूब का और प्रमोशन के बारे में जो भी ऐप का रिव्यू होता है उसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही यूट्यूब पर आप सही से काम करें, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैनल होता है और वो उड़ता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो गाइस इससे बढ़िया तो आप पहले से ही एकदम सावधान होकर चलें और सेफ होकर चलें, जिससे आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो अगर आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रही है, पसंद आई, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर जाना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।